Good morning, India. Monday to Friday, back-to-back classes, live from studio. आज ही subscribe करें Wi-Fi Study Channel को. हेलो एवरीवन, मैं हूं सुष्मिता त्रिपाठी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग इंडियाज नंबर वन स्टडी चैनल पार्ट ऑफ एन एकेडमी नाउ. जैसा आपको पता है ये सेशन होता है हमारा करंट अफेयर्स की रिवीजन का. तो फटाफट हम लोग करते हैं अपनी करंट अफेयर्स की रिवीजन. बिसाइड आपको पता है कि हम लोग अन अकेडमी के पार्ट हैं और हम लोग यूट्यूब के अलावा एक और प्लस कोर्स भी करते हैं. प्लस कोर्स आप लोग चाहो तो परचेज कर सकते हो. प्लस कोर्स को परचेज करने का क्या मेथड है आपको तमाम वीडियोस में बताया गया है. फायदे भी आपको पता होंगे. फायदा जो सबसे ज्यादा होता है हमारा, फायदा क्या होता है देखो. सबसे पहला तो जो है ना, आप लोगों का वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलता है, ठीक है. साथ ही साथ आपका लाइव इंटरेक्शन बहुत बढ़ जाता है. फैकल्टीज के साथ में आप लोग बहुत इजीली इंटरेक्ट कर सकते हो कि क्या क्या बताया जा रहा है. आप लोग अपने डाउट्स को और क्लियरली पूछ सकते हो. इसके साथ आपको हर तीन सेशन के बाद एक डाउट सेशन दिया जाता है जिसमें आपके जो भी डाउट हैं वो आप पिन करके पूछ सकते हो अपनी फैकल्टीज से. ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेनेशन इसका रीज़न ये है क्योंकि उसमें बैठते हैं हम लोग तो कुछ पर्टिकुलर बच्चे आते हैं जो अपने अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं. आप में से जिन्होंने भी लिया है वो खुद जानते होंगे. इसके साथ पीडीएफ भी आपको मिलती है जिसके आपको एक प्रॉब्लम रहती है, हालांकि पीडीएफ यहाँ भी मिलती है. प्लस कोर्स पे भी आप पढ़ सकते हो, यूट्यूब पे भी पढ़ सकते हो. बस प्लस कोर्स के कुछ और भी बेनिफिट्स हैं जो आपको बताए जा रहे हैं. मैंने भी अपनी प्लस कोर्स पे वीडियो जो है प्लस कोर्स पे अपने कोर्स को लॉन्च कर रखा है जो कि बेनिफिशियल होगी आपकी सभी के लिए. किस किस चीज़ के लिए बेनिफिशियल होगी आपकी देखो. क्या हमारा पैटर्न है, अभी आरआरबी पीओ मेंस की और क्लर्क मेंस की चलती है अल्टरनेट डेज पे. इसके बाद आईबीपीएस पीओ और क्लर्क मेंस की चलने वाली है. फायदा हमें क्या क्या मिलना है, बैंकिंग अवेयरनेस भी डिस्कस करते हैं, करंट अफेयर्स भी करते हैं, स्टैटिक अवेयरनेस भी करते हैं, एक्सपेक्टेड पैटर्न भी करेंगे और प्रीवियस ईयर पेपर भी कर रहे हैं. ये सारी चीज़ें जो साइमल्टेनियसली चल रही हैं वहाँ पर. ओके, तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो एक बार देख लेना. बिसाइड यूट्यूब पे भी आपकी क्लासेस चल रही हैं. बस ये एक और क्लास चलती है जहाँ पे जो मैंने आपको बताया इंटरेक्शन बढ़ता है और सबसे बड़ी चीज़ भी इंटरेक्शन ही है कहीं ना कहीं. ओके, तो इफ़ यू पीपल आर इंटरेस्टेड, आप लोग नीचे सर नीचे नंबर शो कर रहे हैं, आप लोग इस पर कॉल करके अपनी क्वेरी कर सकते हो. सिंस वाईफाई स्टडी इज अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी तो आप लोग अन अकेडमी लर्निंग ऐप से इसको परचेज कर सकते हो. नीचे दिए गए नंबर पे क्वेरी करके पूछ लेना कौन सा कोर्स है, जितने का कोर्स है, जो भी सब्सक्रिप्शन है, आपको सब समझा दिया जाएगा. आप लोग फिर उससे परचेज कर सकते हो. चलो तो बढ़ते हैं हम लोग आज के इस सेशन की तरफ और अपने क्वेश्चंस की तरफ. पहला क्वेश्चन है, कौन से शहर ने जो है आयोजित किया है 9वां संस्करण इंडिया केन्या ज्वाइंट ट्रेड कमेटी का? किसने किया? नैरोबी, मुंबई, नई दिल्ली, मोम्बासा या हैदराबाद? बताइएगा आंसर किसने किया है. आंसर करो किसने किया है इसे अभी अभी, ठीक है. किसकी बात कर रहा है, इंडिया केन्या की है ना. ये जो है जॉइंट ट्रेड मीटिंग कहां पर हुई है, किसने किया है? देखो ये करने वाला जो है ये भारत ही है, ठीक है. ये करने वाला भारत है. इससे क्या होगा, भारत और केन्या के जो भी आपस में संबंध है उसको और सुधारा जाएगा और बेटर किया जाएगा. ये कौन सा सेशन था, ये 9th सेशन था. अगला जो होने वाला है अगला होगा नैरोबी में. ओके, जैसा आपको पता है इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है. फिर अगला क्वेश्चन है, बाय व्हेन द हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना विल बी अचीव्ड. हाउसिंग फॉर ऑल, जैसा आपको पता है प्रधानमंत्री आवास योजना, उसका एक लक्ष्य है कि हाउसिंग फॉर ऑल हम लोग उसको अचीव करना चाहते हैं. किस साल तक हमारे वहाँ पे जितने भी लोग हैं सभी का अपना घर होगा, ऐसा प्रधानमंत्री ने क्या बताया है, क्या हमारा टारगेट है 2020, 23, 25, 27 या 30? आंसर करते चलो सभी लोग.
शेयर भी कर देना सेशन को, और जो भी लोग देख रहे हो एक एक लाइक कर दो, इतना तो हमारे लिए कर ही सकते हो। देखो पहले था कि 2022 तक सभी का अपना घर होगा, लेकिन अब उसको जो है 2024 था, 22 कहा गया, लेकिन फिर जो पूरी साहब है उन्होंने क्या कहा कि 2020 तक ही हम लोग इसकी डेडलाइन रखे हुए हैं। अभी ये भी बताया गया है कि लगभग 50 लाख घर बनाए जा चुके हैं। इससे सपना क्या है कि जितने भी लोग हैं हमारे देश में उन सभी लोगों को सब्सिडाइज रेट पे लोन अवेल करा के और सभी का अपना घर हो, इस योजना का यही था अपना जो कह सकते हो एक टारगेट है, और सभी के पास अपना घर होना चाहिए। इस टारगेट को कब तक के लिए रखा गया? 2020 तक का। ओके, फिर अगला क्वेश्चन देखो। आरबीआई हैज डिसाइडेड बिजनेस टाइमिंग फॉर आरटीजीएस। आरटीजीएस जैसा हमें पता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ठीक है, ये आरटीजीएस होता है, ये हमें पता है। आपसे पूछा जा रहा है कि आरटीजीएस की जो बिजनेस टाइमिंग है उसको चेंज करके कितनी कर दी गई है। आरटीजीएस में क्या होता है? आरटीजीएस में 2 लाख से ऊपर के रुपए अगर आप ट्रांसफर करना चाहते हो अपने खाते से दूसरे खाते में तो कर सकते हो। क्या टाइम से क्या टाइम तक कर सकते हो? सुबह 6 के शाम के 6:30, सुबह 6:30 से शाम का 5, सुबह 7 से शाम का 6, सुबह 7:30 से शाम का 6, या सुबह 7:45 से शाम के 6:30 बजे तक। कब तक पैसे आप लोग जो है ट्रांसफर कर सकते हो? आंसर बताइएगा क्या होगा। देखो 26 अगस्त से शुरू किया गया है, जिसके तहत आरटीजीएस की जो टाइमिंग होगी वो सुबह 7 से शाम के 6 तक होगी, ठीक है। जो भी इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शन है वो 8 बजे से 6:45 तक किया जा सकता है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 7 से 6, ये आरटीजीएस की है। बाकी क्या होती है? बाकी की 8 से 6:45 तक होती है। कहा जाता है कि 8 से जो है 8 लोग कहते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, लास्ट बैच जो है वो 6:45 की ही बनती है, ठीक है। तो क्या होगा? बाकी सबका है जो 8 से 6:45। आ रही बात समझ में? ओके चलो अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इंडिया ने एक हाई लेवल मीटिंग रखी थी कौन से देश के साथ में, ताकि जितनी भी जो है समुद्री मुद्दों की जो भी दिक्कतें हैं उसको सॉल्व किया जा सके। श्रीलंका, थाईलैंड, मालदीव्स, इंडोनेशिया, यूएई। बच्चों ये तो मैंने करा रखा है ना इसी वाले सेशन में एक बारी, और अगर आप लोगों को याद हो तो बताना किसके साथ में रखा था। देखो अभी कुछ दिन पहले जो है श्रीलंका को एक धमकी मिली थी कि जो इस्लामिक मिलिटेंट ग्रुप है वो शायद वहाँ इन्फिल्ट्रेशन से घुसने की कोशिश करेगा उनकी समुद्री तट से, इसलिए श्रीलंका क्या कर रही थी, अपने वहाँ पर सिक्योरिटी को बढ़ा रही थी, हाई कर रही थी। ओके, इसी के तहत श्रीलंका और इंडिया ने एक मीटिंग रखी है जिसमें जो भी समुद्री मुद्दों के जो भी दिक्कतें आ रही हैं उसको रिसॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन क्या था? भारत ने किस कंट्री के साथ में ये रखा है? ये रखा गया है श्रीलंका के साथ में, ठीक है। किसके साथ? कौन सा देश? श्रीलंका। फिर देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोसेसर विथ 1.2 ट्रिलियन ट्रांजिस्टर अनवील्ड रिसेंटली। हाल ही में 1.2 ट्रिलियन ट्रांजिस्टर के साथ दुनिया के सबसे बड़े प्रोसेसर का नाम क्या है? वेफर स्केल इंजन, मीडियाटेक वेफर स्केल इंजन, क्वालकॉम वेफर स्केल इंजन, केयरब्रस वेफर स्केल इंजन, या इनमें से कोई भी नहीं? आंसर बताते चलना जल्दी जल्दी, जितने भी लोग देख रहे हो फटाफट आंसर करो। सी, यूएस का एक नया स्टार्टअप है सेरेब्रास वेफर स्केल इंजन जो शुरू किया जा रहा है, जो कि बताया जा रहा है विश्व का सबसे बड़ा प्रोसेसर होगा जिसमें 1.2 ट्रिलियन ट्रांजिस्टर्स होंगे, ठीक है। तो आंसर है सेरेब्रास। एक और चीज पूछा जा सकता है, क्वेश्चन को क्या बनाया जा सकता था कि हाल ही में जो यूएस ने एक नए तरीके का अपना ट्रांजिस्टर सबसे बड़ा जो प्रोसेसर है जिसमें 1.2 ट्रिलियन ट्रांजिस्टर है लॉन्च किया है, इसका नाम क्या है? ये भी आपसे पूछा जा सकता है। नाम है सेरेब्रास। ओके, या फिर ये कहाँ की है? ये है यूएस की। When was the world senior citizen day observed? विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया जाता है? 31 अगस्त, 21 अगस्त, 20 अगस्त, 19 अगस्त, 18 अगस्त, या 17 अगस्त?
देखो जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली होती है ना, उसने 14 दिसंबर 1990 को अनाउंस किया था कि अब हम लोग हर साल जो है जितने भी वरिष्ठ नागरिक हैं उनको ध्यान में रखते हुए उनके लिए एक दिवस मनाएंगे, वरिष्ठ नागरिक दिवस। और ये मनाया कब जाता है? ये हर साल मनाया जाता है 21 अगस्त को, यानी कि 21st of August। ओके, हाँ जी। अच्छा, जितने भी लोग देख रहे हो एक बार शेयर कर देना प्लीज। ओके, सेशन को शेयर कर दो, जैसा मैं कहती हूँ कि नॉलेज ही तो ग्रास्प कर रहा हो ना, शेयर कर दो सभी को, मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ शेयर कर रहा हो और भी लोग हो रहे हैं सेशन में। इतनी मेहनत करो और शेयर भी नहीं कर सकते, ऐसे थोड़ी होता है। देखिए, कौन हम लोगों के वहाँ पे नए होम सेक्रेटरी हैं, नए केंद्रीय गृह सचिव कौन है? राजीव गौबा, ब्रज कुमार अग्रवाल, सुभाष चंद्र, अजय कुमार भल्ला या संजय मित्रा? इससे एक ना एक क्वेश्चन तो बनना ही है, जो रिसेंट अपॉइंटमेंट्स होते हैं वो भी जो आपके सचिव बनाए जाते हैं, जो सेक्रेटरीज बनाए जाते हैं, इससे क्वेश्चन बन जाते हैं। ओके, देखिए किसे बनाया गया है? राजीव गौबा जी को। अच्छा, ये भी आता है इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, इन्होंने प्रदीप कुमार सिन्हा जी को रिप्लेस किया है। ओके, फिर देखो, हु इज न्यूली अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ सूडान? सूडान के नए नियुक्त प्रधानमंत्री कौन है? हसन अल बोल्किया, लुक एडोल्फ टीआर, काहिर रसूल जोदो, अब्दुल्ला हमदोक या इस्माइल अल अजहरी? क्या आंसर है बताइएगा। सी, ये जो है अब्दुल्ला हमदोक सूडान के बने हैं अभी अभी प्राइम मिनिस्टर। इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि जैसा हमें पता है कि अभी सूडान में जो है साउथ सूडान की जो हालत है वो सही नहीं चल रही है, कुछ दिक्कतें चल रही हैं वहाँ पर, आपस में कुछ प्रोटेस्ट चल रहे हैं, तो हो सकता है सूडान, साउथ सूडान से आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ये भी था कि साउथ सूडान ने कहा है कि जितने भी यूएन ने अपने पीस कीपर को रखा हुआ है उन सभी को जून 2020 तक वापस बुला लिया जाए। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि सबसे ज़्यादा जो सैनिक हैं पीस कीपिंग के तहत वो कहाँ के हैं? वो हैं हमारे भारत देश के, और इसी वजह से यूएन को भारत को बहुत सारे पैसे भी देने हैं, ये भी मैंने आपको बहुत बार बता रखा है, ठीक है। खैर, क्वेश्चन क्या था कि सूडान के जो है प्राइम मिनिस्टर किसको किया गया है? अब्दुल्ला हमदोक जी को किया गया है। ओके, चलो अगला क्वेश्चन। जो कमिटी बनाई गई है फिट इंडिया मूवमेंट, इसकी इस गठित समिति के प्रमुख, ठीक है, हेड कौन है? नरेंद्र मोदी, पीटी उषा, किरेन रिजिजू, विराट कोहली या शिल्पा शेट्टी? बताना आंसर। देखो, जैसा हमें नाम से समझ आ रहा है फिट इंडिया मूवमेंट, फिट इंडिया मूवमेंट क्या होगा? लोगों को बताया जाएगा कि फिजिकल एक्टिविटी हमारा जो है दिन भर में हमें थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी करना चाहिए, थोड़ा सा चलना चाहिए। जैसे वॉक टू वर्क ऑन वेंसडे मेघालय सरकार ने लाया था कि चल के अपने काम तक, जहां आप काम करते हो वहां तक जाओ, जिससे आपको जो है थोड़ा सा फिट रहो। आजकल हम लोग फिटनेस में बहुत मूव कर रहे हैं क्योंकि क्या हो गया है, वही जो मैं आपसे कल भी कह रही थी कि हम लोग क्या करते थे, पहले साइकिल से जाते थे, लेकिन अब क्या, कार से जाते हैं और साइकिल चलाने के लिए हम लोग जिम चले जाते हैं। खुद को फिट रखना है, इसके लिए फिट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च किया गया है और इसकी अध्यक्षता करेंगे हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरेन रिजिजू जी। वन मोर थिंग जो हमें और याद रखना होगा वो ये याद रखना होगा कि इसको लॉन्च किया गया था 29 अगस्त को, उसी दिन जो है ध्यानचंद जी का जन्मदिन होता है, जिसे हम लोग राष्ट्रीय स्पोर्ट्स दिवस के रूप में भी मनाते हैं, इसको याद रखिएगा। ओके, तो जो इसमें हेड करेगा वो होंगे हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरेन रिजिजू। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। दिस ईयर द रशियन गवर्नमेंट पुश्किन मेडल हैज बीन अवार्डेड टू, रशिया का जो पुश्किन पदक होता है उससे किसको सम्मानित किया गया है? मीता नारायण, निर्मला सीतारमन, देविका चौधरी, नलिनी सिंघल या इनमें से कोई भी नहीं? क्या आंसर है? जल्दी बताइएगा।
देखो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर है मीता नारायण, जिन्हें जो है इस बार सर्वोच्च नागरिक रशियन गवर्नमेंट ने उन्हें इस पदक से सम्मानित किया है। और इन्होंने रशियन स्टडीज अब्रॉड में बहुत हेल्प करी थी जिसके तहत किया गया था। अच्छा, रशिया सरकार ने इसके अलावा अपना एक और कौन सा मेडल जो है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया है बताइएगा? इस बार किसको दिया है? मीता नारायण, ये जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की एक प्रोफेसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट हैज डिसाइडेड टू रिक्रूट वुमेन ड्राइवर फॉर गवर्नमेंट व्हीकल? किस राज्य ने सरकारी वाहनों के लिए महिला ड्राइवरों की भर्ती का निर्णय लिया है? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, किसने लिया है? सी इसको करने का ये मूव क्यों लिया गया? ताकि जो महिलाएं हैं उनके बीच में जो है प्रॉपर वो हो सके, एक जो जेंडर गैप आता है ना, अगर आप लोग देखोगे वही काम लड़का लड़की दोनों करते हैं, लड़के को ज़्यादा पैसा मिलता है ना। और कई कई जगह ये होता है कि लड़कियां तो करती ही नहीं है, हमारे दिमाग में एक स्टीरियोटाइप चलता रहता है। इन सारी प्रथाओं को ख़त्म करते हुए और आगे बढ़ते हुए क्या किया है, कौन सी सरकार ने किया ये काम? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, ये किया है केरल ने। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, फॉर विच स्पोर्ट द ऑल ब्लू फ्रीडम हैज बीन ऑर्गेनाइज बाई आर्म फोर्सेज वेटरन? किस खेल के लिए सशस्त्र बलों के दिग्गजों द्वारा ऑल ब्लू फ्रीडम का आयोजन किया गया है? स्कूबा डाइविंग, सी वॉकिंग, जेट स्कीइंग, वेकबोर्डिंग या फिर आइस स्कीइंग? जल्दी बताइएगा। देखिए इसमें क्या होगा, इसमें जो है कई सारी संस्थाओं के लोग मिलके खुद को जो है डिफेंस और सर्वाइवल ट्रेनिंग के तहत किया जा रहा है, बस ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि वो और बेटर कर सके। और ये किया गया है किसमें, स्कूबा डाइविंग में। ओके चलो भाई अगला क्वेश्चन देखिएगा, टू प्रोमोट MSME सेक्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कमिंग विथ विच ई कॉमर्स पोर्टल? MSME क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किस ई कॉमर्स पोर्टल के साथ आ रही है? इंडिया क्राफ्ट, भारत शक्ति, भारत क्राफ्ट, इंडिया शक्ति या देश शक्ति? जल्दी आंसर बताना, फटाफट बताते चलो। देखो मैं क्यों जल्दी जल्दी कहती हूँ, तुम्हारा बस हाथ चलना चाहिए, क्वेश्चन का एक शब्द देखो, तुमने देखा MSME के साथ सरकार ई कॉमर्स, इतना देखा, आंसर टाइप किया, इसकी हैबिट बना लो तो ये तुम्हें हमेशा आगे तक हेल्प करने वाला है, ठीक है? इसलिए मैं कहती हूँ जल्दी करो, और कोई रीजन नहीं है। देखो अलीबाबा को देखते हुए, अलीबाबा, अमेजन, ये सब देखते हुए सरकार ने अपना खुद का ई पोर्टल बनाने को कहा है, भारत क्राफ्ट। इससे क्या होगा, इससे कहा जा रहा है MSME लगभग 10 लाख करोड़ तक का रेवेन्यू कमाएगी। और MSME जो है, जैसा हमें पता है, हमारे देश में बहुत ज़्यादा जो है उसका योगदान होता है, इसी से सरकार ने क्या लॉन्च करने को कहा है, भारत क्राफ्ट, जिससे MSMEs की जो भी प्रोडक्ट्स होंगे ईजिली बेचे जा सकेंगे और वो भी रेवेन्यू कमाएगी। MSME का हमारे देश में बहुत बड़ा योगदान होता है, ये मैं कई बार बता चुकी हूँ, और MSME से जुड़े सवाल RRB में बहुत पूछे भी जाते हैं। ओके चलो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आज का देखो, कि कौन से रेन फॉरेस्ट में जो है आग लगी हुई थी ओवर अ फोर्टनाइट, 15-16 दिन से किस कहां पे जो है आग लगी हुई थी? आग लगने को जनवरी से थोड़ी थोड़ी लगती आ रही थी और लगी रहती है, लेकिन एकदम से बहुत ज्यादा जो है कहां पर बढ़ गई थी, ये हमने क्या पढ़ा था, अमेजन रेन फॉरेस्ट में लगी थी, जो कि हमारे धरती का क्या कहा जाता है, फेफड़ा, लंग ऑफ द प्लैनेट कहा जाता है, और धरती के ऑक्सीजन में 20% का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। सबसे ज्यादा हिस्सा इसका 60% तक कहां जाता है, ये जाता है ब्राजील को, और ब्राजील के इस समय प्रेसिडेंट है जैर बोल्सोनारो। ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तैयार रहिएगा ऐसे क्वेश्चंस के साथ। ओके चलो आज का आखिरी क्वेश्चन देखो, आखिरी क्वेश्चन है, दिस ईयर्स स्टेट रूफटॉप सोलर अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स हैज बीन टॉप्ड बाय विच स्टेट? ठीक है, सरल किसने इस बार टॉप किया है? सरल का फुल फॉर्म आपको दिख रहा है, सरल जैसे जो क्या है ना, कि जो भी अपने सोलर रूफटॉप, कई कई बार आप लोग कई इंडस्ट्रीज में जाते होगे तो आप लोग देखते होगे सोलर पैनल लगा होता है, ठीक है, उससे क्या होता है, उससे हम लोग वातावरण को नुकसान पहुंचाए बिना एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं, तो इस लिस्ट में किसने टॉप किया है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र? जल्दी जल्दी आंसर करो जितने भी लोग देख रहे हो। सी इसको जो है टॉप करने वाली कौन सी है, इसको टॉप करने वाला है कर्नाटका। ओके
चलो तो ये थी हमारी आज की स्लाइड, और जैसा आपको बताया जा चुका है प्लस कोर्स के बारे में, फिर से मैं बता दूं ये सारे आपके बेनिफिट्स होते हैं, इसके अलावा क्या क्या किया जाता है वो आपको बताया जा चुका है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो प्लस कोर्स में, जहाँ पे आप लोग इजीली लाइव इंटरेक्ट कर सकते हो, प्लस आप लोग बहुत दिन से बोल भी रहे थे मैम अपनी बैंकिंग अवेयरनेस की वीडियोज लाओ, आप भी प्लस पे आओ, मैं लेकर आई हूँ और बहुत उसमें भी बहुत सलीके से यहाँ भी पढ़ाया जा रहा है, आप वहाँ भी पढ़ सकते हो, आपकी चॉइस है, बस यही होता है वहाँ पे आपका इंटरेक्शन थोड़ा बढ़ जाता है, तो थोड़ा सा प्लस है ना, तो थोड़ा प्लस हो जाता है, आ रही बात समझ में, थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। चलो तो नीचे दिए गए नंबर पे आप लोग कॉल करके क्वेरी कर सकते हो और पूछ सकते हो, आपकी जो भी डाउट्स हैं जो भी क्वेरीज हैं आपको बता दी जाएंगी, हो सकता है एक बार में नंबर ना लगे, थोड़ी देर के बाद फिर से ट्राई कर लीजिएगा। ओके, यूट्यूब पे भी आपकी क्लासेस हैं, प्लस पे भी हैं, क्वेरी ज़रूर कर लेना, पूछ लेना कौन सा कोर्स है, कितने दिन चल रहा है, कितने पैसे लगने हैं। ओके चलो मिलेंगे अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, एंड आई लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।